नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अशोक कुवाल मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कंसल्टेंट। दोस्तों कंप्यूटर तो आप सबने देखा होगा, कंप्यूटर के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं और कंप्यूटर को ही इंसान से रिलेटेड करने वाले हैं कि आखिर इंसान की और कंप्यूटर की फंक्शनलिटी में कितना फर्क होता है और कैसे अपन कंप्यूटर को तो जान जाते हैं कि उसकी फंक्शनलिटी को करने के लिए अपन को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तो इंसान की फंक्शनलिटी को कैसे नहीं जान पाते कि उसको भी एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता होगा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों कंप्यूटर के बारे में मूलभूत चीजें क्या होती है, अपन जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में मूलभूत चीजें होती है, एक उसका हार्डवेयर और एक उसका सॉफ्टवेयर। तो जैसा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, सभी कंप्यूटरों का हार्डवेयर एक जैसा ही होता है, तो इंसानों का भी हार्डवेयर एक जैसा ही होता है। वही कंप्यूटर के अंदर एक एलसीडी होती है, मॉनिटर होता है, माउस वही होता है, सबके अंदर माउस होता है, कीबोर्ड भी होता है, सीपीयू भी होता है, तो सबके अंदर कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से इंसान के हार्डवेयर भी इसी तरीके का होता है कि उसका भी एक सर होता है, दो आंखें, नाक, मुंह, अच्छे अच्छे दांत, दो हाथ, दो टांग। तो हार्डवेयर सबका सेम होता है, बस हार्डवेयर में डिफरेंस कहां आ जाता है, जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कलर का डिफरेंस आ जाता है, उसके आकार का डिफरेंस आ जाता है छोटे बड़े का, उसी तरीके से इंसानों में भी ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस चलते रहते हैं। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों उस हार्डवेयर को काम के लाइक बनाने के लिए उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। उसी तरीके से इंसान के अंदर भी इंसान को काम लाइक बनाने के लिए भगवान ने, जो सुपर पावर ने, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो नॉर्मल फंक्शनलिटी कर लेता है। हाथ को कैसे काम में लेना है ये अपने सिस्टम के अंदर होता है, उंगलियां चलेगी तो वो कैसे चलेंगी, पैर कैसे उठेगा, हमारी गर्दन कैसे घूमेगी, ये सब चीजें होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड। कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि उसको काम के लायक बना देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसको पर्टिकुलर क्या काम लेना होता है, ये काम करने के लिए अपने को उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है दोस्तों। तो काम के लायक, अपने काम के लायक किसने बनाया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने। अपन जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम करने के लिए अपने को सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर आजकल हर चीज के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गए हैं बाजार में, तो वैसा सॉफ्टवेयर पाने के लिए अपन उसमें इंस्टॉल करेंगे और वैसा ही काम करेंगे। उसी प्रकार से इंसान के अंदर भी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उनको फिर काम में लायक बनाना पड़ता है। तो अब देखो कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो बाजार में मिल जाते हैं, बट इंसान के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कहां से मिलेंगे, यह भी तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंसान के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों वो इंसान के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंसान को खुद को इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आप ऐसा काम कीजिए। अब वो काम के इंस्ट्रक्शन कौन देगा, कंप्यूटर को चलाता कौन है, तो कंप्यूटर को चलाता है ऑपरेटर। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपने आप काम नहीं करती है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन देने वाला ऑपरेटर होता है। वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, एक तो आम आदमी दे रहा हो, एक कोई प्रोफेशनल आदमी दे रहा हो, तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। आम आदमी अपने हिसाब से काम करेगा, कंप्यूटर के अंदर गाने सुन लेगा, मूवी देख लेगा, या कोई सोशल साइट्स चला लेगा, चैटिंग वगैरह कर लेगा। और जो एक प्रोफेशनल आदमी काम करता है, उस वो प्रोफेशनल आदमी उस प्रोफेशनल चीजें से काम करता है जिसके पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वो काम करता है, जो उसके काम में के लायक हो। तो दोनों के इंस्ट्रक्शन देने में भी फर्क है, दोनों के काम करने के तरीके में भी फर्क है।
अब वो कौन इंसान कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंप्यूटर वैसा ही आउटपुट निकाल के देता है। उसी तरीके से इंसान में कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको काम करने के लिए, एक आम आदमी उसको काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है या एक प्रोफेशनल आदमी उसको काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या इंसान जो काम करना चाहता है उस फील्ड का आदमी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जिस फील्ड में जाना चाहते हैं हम इंस्ट्रक्शन सलाह, इंपॉर्टेंट है सलाह, तो सलाह हम एक ऐसे इंसान से लेते हैं जो इंसान या तो उस फील्ड का नहीं है या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड है। किसी सक्सेसफुल आदमी से सलाह लेने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड आदमी से ही ज्यादा सलाह लेंगे, और फ्रस्ट्रेटेड आदमी वो एक ही बात कहेगा, नहीं तू ये काम मत कर यार, मैंने भी किया था लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, ये बेकार है, तो वो उसकी नेगेटिविटी ज्यादा बताता है। तो हमें एक सुपर पावर और मिली हुई है भगवान से कि हम उन चीजों में डिफरेंस भी पता कर सके कि आखिर जो नेगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी है उन दोनों में से अपन ये चूज करें कि अपने काम के लायक कौन सी चीज है। यही इंपॉर्टेंट है और यही डिफरेंस होता है कंप्यूटर में और इंसान में दोस्तों, कि कंप्यूटर यह पता नहीं लगा पाता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, जबकि इंसान यह पता लगा लेता है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और कौन सी नहीं देती है, कौन सी मेरे काम के लायक है और कौन सी नहीं है। यह मेजर डिफरेंस होता है कंप्यूटर और इंसान में, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। तो इंसान में यह सुपर पावर मिली है और यह सुपर पावर केवल और केवल इंसानों में ही है, जानवरों में भी नहीं है ये। तो दोस्तों इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके गोल को अचीव करने में, उसके फील्ड में सक्सेस होने में, कि उसका आखिरकार सलाहकार कौन है, कौन उसे सलाह देता है और वो इंसान किससे सलाह लेता है। तो सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फंक्शनैलिटी को फंक्शन करने के लिए उस सलाहकार की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। हर फील्ड में जरूरत पड़ती है सलाहकार की, और वो सलाहकार एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी सोच में कभी हार नहीं हो, जिसकी सोच में हार नहीं हो, जिसकी सोच हमेशा जीत वाली हो, हमेशा पॉजिटिव सोच हो, ऐसे इंसान से सलाह लेनी चाहिए। किसी फील्ड के अंदर अगर जैसे आप माना कि एक ऐसे फील्ड में आप घुस रहे हैं, एक संगीत के फील्ड में आप घुस रहे हैं और एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से आपने सलाह ले ली, तो दोस्तों वो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आपको संगीत की सलाह नहीं दे सकता, वो कभी सलाह नहीं दे सकता, वो सिर्फ यही कहेगा कुछ नहीं यार ये सब फालतू के काम है, और ये फालतू के कामों के अंदर आपका दिमाग ये काम करने लग जाएगा, अरे यार छोड़ो यार ये फालतू के काम है। फिर आप उस फील्ड में असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए कभी भी सलाह लो तो उस फील्ड के इंसान से लो जो उस फील्ड में घुस चुका है और सफल हो चुका है। सलाह दोनों इंसानों से लेनी चाहिए, सफल इंसान से भी और असफल इंसान से भी। असफल इंसान से यह पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए और सफल इंसान से यह पता चलेगा कि क्या करना चाहिए दोस्तों। यह दोनों इंसानों से सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपका सलाहकार आपके आसपास ही रहता है। अपने इंडिया में क्या होता है कि मुफ्त की सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हर इंसान सलाह दे जाता है, चाय के नुक्कड़ पे बैठ के वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने लग जाते हैं लोग कि नहीं अपने देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है, यूएसए की देखो आप, चीन की देखो आप, जापान की देखो आप, जबकि वो ये नहीं जानते हैं, उस अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कंपेरिजन पूरा कर देंगे वो, और फिर दूसरा आदमी है सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो,
और ऐसे करके हंस के और उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत माइंडेड हूं। तो क्या है ये? एक इंसान जिस फील्ड में जाना चाहता है उस आदमी से सलाह ना लेकर एक ऐसे इंसान से सलाह लेता है जिसको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्या सलाह दे सकेगा? और फिर उन लोगों की बातों का बुरा मान के जो इंसान उस फील्ड की सलाह दे देता है जिसमें वो कभी गया ही नहीं हो, कभी उसने देखा ही नहीं हो, कभी सुना ही नहीं हो कि ऐसा भी कोई फील्ड होता है, उसकी सलाह तो दे देता है, उसकी सलाह मानकर हम उस फील्ड में जाना छोड़ देते हैं या उस फील्ड में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, आगे सोचना छोड़ देते हैं, और फिर एंड में यह होता है हम असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस इंसान की सलाह कभी ना ले। और मैं एक बात और कहूंगा आपको कि उस इंसान का बुरा मत मानो, उसकी बातों का बुरा मत मानो जो इंसान आपको पर्सनली नहीं जानता हो। एक लाइन में कहूंगा कि किसी भी इंसान की उन बातों को पर्सनली मत लो जो आपको पर्सनली नहीं जानते हो। दोस्तों, इंसान को हमेशा यह पता रहता है कि मेरे लिए गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन वो उसके बारे में तय कब कर पाता है? वो कर पाता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी में बैठ के, कि वो किस सोसाइटी में बैठ रहा है, उसकी संगत कैसी है। दोस्तों, संगत के बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। हमारा अगला टॉपिक रहेगा संगत के बारे में कि संगत का असर कैसे रहेगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।